की मंडी में किसानों से खरीदे जाने वाले अनाज के आयात निर्यात प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू करने के लिए ई अनुज्ञा प्रणाली शुरू होने जा रही थी, लेकिन इसके प्रणाली का कृषि मंडी के व्यापारियों ने विरोध कर दिया। व्यापारियों के विरोध के कारण अब प्रणाली को रोक दिया गया है। अब इसे पुनः विचार और संशोधित किए जाने के बाद ही शुरू किया जाएगा। उनके द्वारा मैं उनको बताया गया कि संसाधन की कमी होना बताया गया। मंडी बोर्ड ने इतने संसाधन दे दिए हैं, दो प्रदेश की 256 मंडियां हैं, पूरा नेट और कंप्यूटर से युक्त हैं, हर जगह मानव संसाधन का आदमी बैठा हुआ है। आप लगातार इसका प्रमाण स्वरूप दे सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन पर काम हो रहा है, भावंतर पर लगातार एंट्रियाँ हो रही। हर मंडी का हम देखें तो एवरेज एक मंडी में 5 से 6 हज़ार किसानों की एंट्रियाँ की गई हैं। तो संसाधन है, जब एंट्रियाँ हुई हैं तो संसाधन की कमी नहीं है, किसी भी प्रदेश की किसी मंडी में संसाधन की कमी नहीं आज की तारीख में, और उसको भलीभांति लागू किया जा सकता है। तो ये जो आदेश अब कब से लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो वर्तमान में तो परीक्षण पीएस महोदय का जो पत्र आया उसमें लिखा है कि उसका परीक्षण करके उसको पुनः लागू किया जाएगा। वो कब शासन देता है, हम लोग तैयार हैं उसके लिए, कभी भी चालू करें नेक्स्ट डे चालू कर देंगे। व्यापारियों ने कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर लाल फीताशाही ज़्यादा हो रही थी कि जैसे ई अनुज्ञा के लिए व्यापारी सब लोग तैयार है, लेकिन उसको सर्टिफाइड करने के लिए भोपाल से जो आदेश आए थे कि उज्जैन में संबंधित अधिकारियों से उसको सर्टिफाइड कराना, तो इसमें पहले तो हम लोग ई अनुज्ञा अपने घर में बनाएं और फिर उसके बाद मंडी ऑफिस आएँ और फिर उसको वेरीफाई कराएं, सर्टिफाइड कराएं। तो ये जो ब्यूरोक्रेट के कारण हम लोगों ने विरोध करा था, ई अनुज्ञा से हमारा कोई विरोध नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। और माननीय कमलनाथ जी ने भी हमको आश्वासन दिया था कि ई अनुज्ञा की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मंडी में काफ़ी मात्रा में स्टाफ है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है, तो इसको अच्छी तरीके से क्रियान्वित करेंगे, इस पर विचार किया जाए। तो अगर ये कुछ आपकी समस्या अगर दूर होती तो आप तैयार हो जाएंगे उसके काम? बिल्कुल, ई अनुज्ञा के लिए व्यापारियों को कोई विरोध नहीं, अगर ब्यूरोक्रेट और लाल फीताशाही नहीं हो। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 11 जनवरी 2019 को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म रिलीज होने के पहले ही विवादों में घिर गई है। इस फिल्म में मुख्य किरदार में अनुपम खेर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका में है। यह पूरी फिल्म राजनीतिक फिल्म मानी जा रही है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने आज नगर के जयसम चौक पर फिल्म के लेखक का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, संजय वारू द्वारा कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस, हम युवा कांग्रेस द्वारा रोका जा रहा है। फिल्म प्रदर्शन को होने से रोका जाएगा, और अगर नहीं रोका जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा क्या है फिल्म में जिसका विरोध कर रहे हैं आप? फिल्म में दुष्प्रचार किया गया है, मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया है, गलत तरीके से बताया, गलत ढंग से बताया। संजय वारू जी 2003 से 2005 तक थे, 2013 तक की कहानी वो कहाँ से बता रहे हैं, सारी कहानी गलत है, प्रदर्शित होने से रोका जाए। खातेगांव में आबकारी पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर लगभग 8 पेटी देसी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए आकी गई है। विजय यादव के द्वारा गाड़ी में अवैध शराब लेकर ढाबे पर ले जाई जा रही थी, तभी आबकारी पुलिस ने लगभग रात्रि 8 बजे गाड़ी को रोका और चेकिंग की तो उसमें शराब मिली, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। इस दौरान विजय यादव से पूछताछ की गई, फिर उसे दूसरे दिन रविवार को 4 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से विजय को जेल भेज दिया गया है। मामला यह है कि अभी अवैध शराब का परिवहन आसपास के जिलों से कुछ हो रहा है, ऐसा खबर थी हमारे एसी साहब के पास, संजीव दुबे साहब के पास। उन्होंने कल मेरे को एक निर्देश दिए थे कोई कि यह यहाँ से कोई इस टाइप की कोई कार्रवाई हो सकती है, तो नसरुलगंज तरफ अपने नाका लगाया था और वहाँ से एक वाहन आया है जायलो, तो उसका पीछा किया है और उसको खातेगांव में रोक के टेस्ट किया, उसमें 9 पेटी थी, रायसेन जिला का पदाय था उस पर जी, सप्लाई रायसेन जिले की थी जी। तो जायलो गाड़ी और 9 पेटी बरामद की है, आरोपी को अभी हम लेके जा रहे हैं जेल, जेआर लेके यहाँ से। क्या कीमत क्या वहाँ की है? 30,000 रुपये के आसपास की कीमत शराब की होगी और 2.25 लाख रुपए की वाहन की कीमत होगी जायलो। स्पॉट क्या था, कहाँ पे पकड़े आपने? ये मंडी गेट के सामने खातेगांव में। क्या समय क्या था? समय करीब 7:30-7:15 के आसपास। उसके बाद आपने क्या किया इन लोग? उसके पास पूरी कार्रवाई की है, इसकी शराब जांच और ये इनके कथन वगैरह लिए हैं, पूरा वो जो भी है विटनेस वगैरह बुला के। इनके पास क्या क्या सामान बरामद हुआ? इनके पास कोई सामान बरामद नहीं हुआ है, ये गाड़ी में जो शराब थी यही है।
और आधार कार्ड वगैरह थे जो उसकी फोटो कापी ले ली है, लिखा पढ़ी में हमने। मुलजिम का तो ये कहना कि मेरे गाड़ी में मेरे पास 5,000 रुपये थे जो गाड़ी में रख दिए, वो नहीं मिल पाए, इस बारे में आपका क्या कहना? नहीं, इसकी तो कोई वो नहीं है कि 5,000 रुपये थे और मिल नहीं पाए जी। बस ये है कि उसमें शराब थी और उसको फिर खींच के ले गए थे हम लोग। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में आयोजित ओमकार महोत्सव के प्रथम दिवस संध्या में अनेक सांस्कृतिक आयोजन हुए, जिसमें कलाकारों की प्रस्तुति को निहारने के लिए स्थानीय सैलानियों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वही नर्मदा आरती से घाट गूंज उठा। प्रथम दिवस संध्या में इंद्रावती नाट्य समिति द्वारा बस देवा नाटक का मंचन किया गया। शास्त्रीय गायन में राष्ट्रीय कलाकार शुभम मद्रल एवं दिव्या शर्मा द्वारा मंच से नर्मदा की लहरों के बीच शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी गई। अंतिम आयोजन नटेश्वर नृत्य संस्थान द्वारा संजय महाजन के निर्देशन में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। दूधिया रोशनी और सुसज्जित मंच से बेहद आकर्षक नज़ारा देखने के लिए स्थानीय नागरिकों के साथ साथ सैलानी एवं विदेशी पर्यटक विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं संध्या में हुई नर्मदा आरती के दौरान हर कोई भक्ति रस में नजर आया। नर्मदानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो रहवासियों के यहाँ चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया, जिसमें नर्मदानगर के न्यू आई ट्राइब कॉलोनी के रहने वाले विवेक वाजपेयी के यहाँ रात को चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। विवेक वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने मकान बनाने के लिए अपने घर में 2,00,000 नकद एवं उनके माता की ज्वेलरी रखी हुई थी, जिसे चोर चुरा कर ले गए। इस दौरान उनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वह मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपना रुपया जमा किया था। जल्द ही वह नकद रुपया व गोल्ड को बैंक में गिरवी रखकर मिलने वाली राशि से मकान बनाने का काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन चोरों ने उनका मकान बनाने का सपना तोड़ दिया। विवेक वाजपेयी ने बताया कि उन्हें उनके घर पर दूध की सप्लाई करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके पश्चात उन्होंने नर्मदा नगर थाने को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी का प्रकरण कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ठीक इसी प्रकार चोरों ने उसी कॉलोनी की रहने वाली ज्योति पति अर्जुन सावले के घर से भी लगभग 1,00,000 नकदी सहित गहनों पर हाथ साफ कर दिया। दोनों मामलों में नर्मदा नगर थाने में अज्ञात के विरुद्ध चोरी का प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जाँच के दौरान डॉग स्क्वाड सहित फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। दोनों तरफ ताले बंद थे और मैं पीछे साइन कर रहा था अपने प्राइवेट मकान में, जिसमें हमारी माता जी रहती हैं। रात में करीब 1 बजे के बाद चोरी की घटना हुई, दोनों ताले टूटे और हमारे जो भी मतलब पुराना जो भी हमारे पास सोना चांदी जेवरात और जो भी नकदी था वो चोर चुरा ले गए, जिसकी थाने में इत्तला कर दी गई है। लगभग कितने लाख का आपके यहाँ से मटेरियल गया? वो तो आकलन करना अभी पुलिस के लिए है, बिलों की प्रस्तुति की जा रही है, कर रहे हैं अभी। फरियादी विवेक कुमार वाजपेयी निवासी 177 न्यू आई टाइप कॉलोनी नर्मदा नगर का आज थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि उसको NHDC में मकान अलाट हुआ है, जिसमें उसकी माताजी निवास करती थी। वो भागवत सुनने चली गई थी दुर्गा मंदिर, उसके बाद में नाइट होने से वो उसके भाई विनय कुमार के यहाँ रुक गई थी। सुबह दूध वाला आया तो उसने मकान का दरवाज़ा खुला देखा तो उसके भाई को सूचना दी। जब उसके भाई ने विवेक कुमार ने आकर देखा और उसकी रिपोर्ट थाने में की, जिसमें उसकी अलमारी में रखे हुए कुछ नकदी करीब 1,00,000 रुपये और कुछ जेवरात से चोरी जाना लेकर आया है, जिसकी जांच की जा रही है। उज्जैन में नए वर्ष के प्रथम दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। पूजन पंडित घनश्याम शर्मा एवं पुरोहितों ने करवाया, मुख्यमंत्री के साथ उनके परिजन भी थे। पूजन के पश्चात कमलनाथ नंदी हॉल में गए तथा यहां से भी उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा की। इस अवसर पर विधायक दिलीप गुर्जर, रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल, महेश परमार, संभागायुक्त MB ओझा, IG राकेश गुप्ता, कलेक्टर मनीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर, महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक अभिषेक दुबे सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पंचर्या हारा स्वादे आवे आवे।
साल के पहले दिन आया, कामना करिए कि मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास शुरू होए, हर वर्ग के चेहरे में मुस्कुराहट होए। मैंने आशीर्वाद मांगा है कि मुझे इसके लिए बल और शक्ति मिले। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के नए खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मेरे पास दोनों विभाग युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स को लेकर विशेष फोकस रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश के युवा खेल में आगे बढ़े, इसके लिए जो बजट की दरकार है वह भी बढ़ाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार से भी बजट अच्छे से अच्छा बजट लेने का प्रयास होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वविद्यालय और कॉलेज का माहौल सुधारने पर जोर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री पटवारी ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा का माहौल होना चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसकी चिंता हम सभी मिलकर करेंगे, पूरा विभाग टीम की तरह काम करेगा। प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने नवाचार की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जन सुनवाई में अब अधिकारियों के साथ विधायक भी बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को छिंदवाड़ा स्थित फुटवेयर एवं डिजाइन सेंटर में संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान अधिकारियों से सीएम ने दो टूक कहा कि पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा, जिले का विकास ऐसा चाहिए जिससे कि दूसरे जिलों के लिए ये रोल मॉडल बने। नाथ ने कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र में हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही गई थी, लेकिन ये सिर्फ वचन पत्र का मामला नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि गौ माता को सड़क पर न भटकना पड़े। कमलनाथ ने कहा कि सरकारी विभागों और अधिकारियों के कार्य का जनता द्वारा किए गए मूल्यांकन को सही माना जाना चाहिए। यदि जनता कहती है कि अच्छा कार्य हो रहा है तो राज्य सरकार भी अच्छा मानेगी, और जनता ने कहा कार्य नहीं हो रहा है या अपेक्षानुसार नहीं है तो राज्य सरकार भी जनता की राय को ही मानेगी। नए साल 2019 की शुरुआत बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर लेकर आई है। अभिनेता कादर खान का 81 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। कनाडा के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कादर खान के बेटे ने उनके निधन की पुष्टि की है। कादर खान के निधन से बॉलीवुड ने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया। उनके परिवार में उनकी पत्नी हजरा, बेटा सरफराज, बहू और पोते पोती हैं। एक करीबी रिश्तेदार अहमद खान ने बताया कि तड़के करीब 4 बजे उनका देहांत हो गया। कादर खान के निधन से नए साल का जश्न फीका हो गया है और पूरा देश शोक में है। बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियों और आम लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। अमिताभ बच्चन ने कादर खान के निधन पर ट्वीट के माध्यम से शोक जताया। अमिताभ ने लिखा कि एक दुखद और निराशाजनक समाचार, मंच के एक शानदार कलाकार, अद्भुत प्रतिभा के धनी, मेरी कई सफल फिल्मों के एक प्रख्यात लेखक और एक गणितज्ञ के कादर खान साहब नहीं रहे। जाने माने अभिनेता और सांसद परेश रावल ने भी कादर खान के निधन पर शोक व्यक्त किया।